नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो कैमन 35G वर्सेस ओप्पो F27 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो कैमन 35G में 6.51 इंच जबकि F27 में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि कैमन 35G से कम है। विड्थ की बात करें तो कैमन 35G में 2.99 इंच जबकि F27 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो कैमन 35G में 0.31 इंच जबकि F27 में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो कैमन 35G में 199 ग्राम जबकि F27 में 187 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो कैमन 35G में LTPS AMOLED जबकि F27 में फ्लैट OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो कैमन 35G में 20:3:9 जबकि F27 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो कैमन 35G में 6.78 इंचेस जबकि F27 में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन कैमन 35G में 1080x2436 FHD प्लस और F27 में 1080x2400px FHD प्लस मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कैमन 35G में 87.07% जबकि F27 में 86.88% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो कैमन 35G में 393 पिक्सेल प्रति इंच जबकि F27 में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो कैमन 35G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में ऑक्सिलरी लेंस देखने को मिलता है। और F27 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो कैमन 35G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और F27 की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो कैमन 35G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और F27 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो कैमन 35G में IMGBX M8-256 जबकि F27 में Mali-G57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो कैमन 35G में MediaTek Dimensity 7020 और F27 में MediaTek Dimensity 6300 मिलता है। बात करें रैम की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो कैमन 35G में 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि F27 में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो कैमन 35G में जबकि F27 में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
कैमन 35G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें F27 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 0 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो कैमन 35G में 6 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो F27 5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में कैमन 35G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में कैमन 35G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो Y200 Pro 5G है, दूसरा Realme GT60 5G है, तीसरा पोको F6 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Note 40 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।